पर एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता गौहर हसन वाणी को 7 दिसंबर को हुए DDC चुनाव के दौरान आतंकवादियों को कथित तौर पर अपनी कार में घुमाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें सुरक्षा बलों को ये बताया गया कि शोपियां के मुख्य सड़क पर एक कार में आतंकवादी जा रहे हैं। वाणी को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सुरक्षा बलों को बताया कि आतंकवादियों ने उसे अगवा कर लिया था। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के दौरान आतंकवादियों को कथित तौर पर अपनी कार में घुमाने के आरोप में इस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी प्रदीप, हमें और जानकारी दीजिए। ये हादसा 7 तारीख का है, जब एक कार को रोकने की कोशिश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंटरसेप्ट किया तो गाड़ी को रोका, तो गाड़ी रुकी नहीं और वो नाका तोड़ के आगे निकल गई। और उसी दौरान बताया जाता है कि उस गाड़ी के अंदर कुछ आतंकवादी सवार थे और एक एडवोकेट उस गाड़ी को चला रहा था, जो कि कांग्रेस का वर्कर बताया जाता है कि उसने भी उस गाड़ी में से जंप कर लिया गया था। लेकिन वो गाड़ी तो रिकवर कर ली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये एक एडवोकेट है और ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और ये गाड़ी उसकी थी और ये एक जगह से दूसरी जगह आतंकवादी को लेके जा रहा है। बहुत ही संगीन किस्म का जुर्म है। अगर इस किस्म के लोग, जो कि कांग्रेस के साथ जुड़े हो और एडवोकेट पेशे से हो, और ये लोग आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करें तो बहुत ही संगीन जुर्म बनता है। कल शाम देर रात इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये दूसरा मामला ऐसा आया है, पहले मामला एक देवेंद्र सिंह का, जो कि हम मेरा नाम पे ऑलरेडी हाईलाइट करते आए हैं कि कैसे एक DSP आतंकवादियों को, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा था, और आज ये कांग्रेस का वर्कर, जो कि पेशे से एडवोकेट है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आतंकवादियों को ले जाने में मदद कर रहा था ताकि सिक्योरिटी एजेंसी या सुरक्षा बल रास्ते में उन्हें पकड़ ना पाए। लेकिन इस बार लगता है कि किस्मत उनकी खराब थी कि सुरक्षा बलों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी रुकी नहीं, नाका तोड़कर 7 तारीख को आगे निकल गई, ये जंप कर गया गाड़ी से, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि गाड़ी उसकी थी और कल देर रात उन्हें अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन है और मेरे ख्याल से कांग्रेस के बाकी लोगों को भी इसमें काफी जवाबदेही करनी होगी कि किस तरीके से उनके साथ जो जुड़ा हुआ वर्कर है वो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।